आश्रम तत्व संबंधी भूल, जैन मिथ्या दृष्टि, उसके किस प्रकार रह जाती है, इसकी चर्चा सातवें अधिकार में जैन मिथ्या दृष्टियों के प्रकरण के अंतर्गत टोडरमल जी साहब ने लिया है। पाप आश्रम को तो हे जानता है और पुण्य आश्रम को उपादेय जानता है, ऐसा जैन मिथ्या दृष्टि उसके श्रद्धा के अंदर ऐसी धारा चलती है और यह धारा आश्रम तत्व संबंधी भूल है। क्या धारा चलती है जैन साहब? कि पुण्य भाव उपादेय है और पाप भाव हेय है, ऐसी श्रद्धा के अंदर उसके निरंतर धारा चलती है ना? इस रूप उसका अंतरंग श्रद्धान है और वह श्रद्धान आश्रम तत्व संबंधी विपरीत भाव है ना? क्यों? आश्रम तत्व संबंधी यथार्थ श्रद्धान क्या है कि पाप और पुण्य दोनों बंध है, दोनों आश्रव है और दोनों हे है। ये तो है सच्चा श्रद्धा और उसका श्रद्धान इसके विपरीत है। दूसरी बात, आश्रव तत्व संबंधी भूल में बहुत सुंदर टोडरमल साहब ने यहां लिया है कि वह आश्रव के भेद को जानता है। कौन जानता है? जैन मिथ्या दृष्टि आश्रव के भेद को जानता है और उन भेदों में बाह्य रूप तो वो स्वीकारता है और अंतरंग भाव, उसकी अंतरंग अपेक्षा, अंतरंग भावों की जाति को नहीं पहचानता, इसीलिए वहां भी इसके आश्रव तत्व संबंधी भूल है। कहां? आश्रव के भेद को तो जानता है लेकिन उन भेदों को कैसे जानता है? बाह्य रूप से जानता है ना? और अंतरंग अपने भावों की जाति में वो क्या विपरीतता है उसको नहीं पहचानता, तो ये आश्रव तत्व संबंधी इसकी भूल है। पांच प्रकार के भेद है ना? आश्रव के मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाय और योग। ठीक है, तो मिथ्यात्व के संबंध में बाह्य रूप से क्या स्वीकार करता है और अंतरंग क्या भूल रह जाती है जैन मिथ्या दृष्टि की, वो अपन ने कल चर्चा की थी। आप में से कोई बताएगा? बहुत सुंदर, उसके संबंध में उसको कोई विचार ही नहीं। बहुत सुंदर। क्या बाहर में सच्चे देव शास्त्र गुरु उनकी पहचान उनके लक्षणों के आधार से वो करता है, लेकिन अंदर में ज्ञायक देव उसकी उस पर दृष्टि नहीं, ज्ञायक देव को वो नहीं स्वीकारता। आई बात समझ में? सात तत्व संबंधी उसको यथार्थ सिद्धांत नहीं है।
तो ये मिथ्यात्व संबंधी इसके जो है विपरीतता है। बाह्य रूप तो है वो सावधान है, बाहर में सच्चे देव सास गुरु को ही भजता है ना, उनके द्वारा कथित वचन उसका ही अभ्यास करता है, लेकिन अंतरंग में निज गायक भगवान शुभ अशुभ भाव से भिन्न, पाप पुण्य के भाव से भिन्न है, उस पर उसकी दृष्टि नहीं है। तो ये मिथ्यात्व संबंधी उसको क्या है, अंतरंग उसकी है गड़बड़ी है। तो आसन चल रहा है कि नहीं चल रहा है, जैसा मिथ्यात्व नाम का आसन सच्चे देवशास गुरु को पूजने पर अन्यत्र कुदेव कु गुरु और कुशास्त्र की शरण में नहीं जाने पर भी मिथ्यात्व नाम का आश्रय इसके चल रहा है, वो भेद उपस्थित है अभी आपका। क्यों उपस्थित है? क्योंकि उसको निज ज्ञायक देव उस पर दृष्टि नहीं, नहीं नहीं आंशिक आंशिक नहीं, पूरा मिथ्यात्व। मिथ्यात्व आधा जाता है और आधा नहीं जाता है, ऐसा नहीं है, मिथ्यात्व पूरा का पूरा विद्यमान है। आई बात हम, इतनी बात समझ में आ गई आपको? ये कल का विषय था जो अपन ने चर्चा करी। अब अविरति के संबंध में कल अपन ने थोड़ी सी चर्चा प्रारंभ की थी कि जैन मिथ्या दृष्टि अविरति किसको मानता है ना, तो वो क्या करता है, त्रस और स्थावर जीवों की विराधना है ना, उनकी हिंसा, उसको वह अविरति मानता है। किसको है ना, जैसा किसको, यहां त्रस और स्थावर जीव उसकी हिंसा उसको क्या मानता है, अविरति, और पांच इंद्री और मन के विषयों में प्रवर्तना उसको मानता है अविरति। अब जब वो व्रत लेता है तो वो क्या मानता है, व्रत किसको ग्रहण करना कहते हैं, कि त्रस और स्थावर जीवों की विराधना ना हो, पांच इंद्री और मन से विषयों से ये अपने को दूर हटाए, उसको कहता है व्रत। आई बात समझ, किसको व्रत कहता है बोलो भाई, किसको व्रत कहता है, पांच इंद्री और मन उसके विषयों से इसने दूरी बना ली, उसको कहता है व्रत। अब टोटल मंजी साहब ने यहां उसका गहराई से विश्लेषण किया है, अभी देखो कैसे क्या हुआ, अभी अपन थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देख एक तो है क्रिया, एक है भाव, इसको बोल दो परिणाम। और तीसरा है अभिप्राय। कितनी बात हो गई जैसा, एक तो हो गई क्रिया, एक हो गया परिणाम और एक है अभिप्राय, ठीक है। इन तीनों शब्द से आपको अर्थ समझ में आ रहा है क्या है, क्रिया परिणाम और अभिप्राय, ठीक है। अभी व्रत किसको कहता है और अवृत्ति किसकी है, उसके जैन में क्या दृष्टि, तो उसमें त्रस और स्थावर जीव उसकी हिंसा को तो मानता है क्या, अविरति, और उनकी हिंसा या उनसे बच जाना उसको मानता है व्रत, ठीक है। और ये परिभाषा है भी, पांच पापों से एक देश बचना वो क्या कहलाता है, अनुव्रत है, ठीक है। तो अब पांच पापों से एक देश बचना, उसमें एक तो जीव की विराधना की होती है क्रिया, बाहर में जीव का विराधना हो रहा हो वो क्रिया है ना, दिखती है आप सबको दिखती है, और एक अंदर उस जीव के विराधना के भाव, उस जीव समझ में आया आपको, दो है ना, और तीसरा अभिप्राय। अभी इन तीनों को अपने को बारीकी से समझना है तब ये पंक्ति आपको समझ में आएगी, ठीक है। अभी हमने व्रत किसको कहा जैसा, व्रत किसको कहा आपने बोलो भाई, व्रत किसको कहा, कि पांच पापों का बाहर से त्याग हो गया। अभी उसमें अभी हिंसा की बात करते हैं,
हिंसा में मतलब आप क्या करते हैं, त्रस्त और स्थावर जीव, उनकी हिंसा नहीं करी तो आपको क्या लगता है कि ये मेरे व्रत का पालन करते हैं। और बिल्कुल ऐसा ही है, परिभाषा भी ऐसी है, पांच पापों से एक देश, लेकिन पूरी पिक्चर क्या है, ये तो बाह्य रूप हो गया, इसको तो स्वीकार करता है। देखो न तो बाहर में क्रिया में जीव की विराधना हो रही है, ठीक है, ये स्वीकार है, और न ही उसको अंतरंग जीव की विराधना का भाव है। बाबूजी बात समझना, न तो देह से जीव की विराधना हो रही है, ये तो क्रिया, और न ही उसके विराधना का भाव है, किन क्या छह गाय के जीवों का त्रस और स्थावर जीव के विराधना का भाव भी उसको नहीं है, ये हो गया। लेकिन अंदर जो अभिप्राय, इसमें क्या प्रमाद बसा हुआ है? अभी ये गजब की बात है, प्रमाद मतलब क्या हो गया? हा? प्रमाद अजित भैया बात पकड़ना है, ये पार्ट हो गया तो अंतरंग, ये तो हो गया अंतरंग, और इन दोनों को मिलाया बहिरंग, क्रिया और भाव, जीव को मारने की क्रिया भी नहीं देर, और जीव को मारने का भाव भी नहीं, ठीक है। अब जिस जीव के जीव को मारने की क्रिया भी नहीं है और जीव को मारने का भाव भी नहीं है, तो उसके व्रत हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ, नहीं। मुद्दा यह है, बाद में तो व्रत बोलेंगे ना उसको, है ना, एक फिर क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ व्रत? मुद्दा तो ये है, व्रत क्यों नहीं हुआ भाई, जब उसके भाव भी नहीं है और बाहर में उस प्रकार की क्रिया भी नहीं है। हाँ, तो वो क्या प्रमाद है? व्रत किसको कहना? तो टोटल मेरे साहब कहते हैं कि उसका पूरा केंद्र बिंदु बाही बाही पर दृष्टि है, जैन मिथ्या दृष्टि की। तो प्रमाद किसको कहते हैं? कि अपने स्वभाव के भान पूर्वक स्थिरता होना, वह कहलाता है व्रत। आई बात समझ? दादी जी किसको कहते हैं व्रत, किसको बोलते हैं? अपने स्वभाव के भान पूर्वक स्थिरता, उसका नाम है व्रत, और अपने स्वभाव के भान पूर्वक विशेष स्थिरता, वो कहलाता है महाव्रत। ये तो है अंतरंग, यदि ये नहीं है तो प्रमाद। आई बात समझ में? ये नहीं है तो जैसा में क्या है? प्रमाद। और ये पूरा का पूरा केंद्र बिंदु इसका यहीं पे है, अधिकतर क्रिया पे है, और कोई जीव थोड़ा सा है तो क्रिया और भाव अंदर परिणाम पे है, लेकिन अभिप्राय में क्या प्रमाद चालू है? तो टोडर मल्ली साहब कह रहे हैं कि यह प्रमाद ही हिंसा में मूल है। देखो आई बात समझ में आई क्या? ऐसे ही जैन साहब पांच इंद्रिय के विषयों से दूर हट गया, तो जनरली पांच इंद्रिय के विषयों से दूर कैसे हटेगा? भाई आप पांच इंद्रिय के विषयों से दूर हट गए तो आपने बाहर शरीर से तो दूर हट गए, परिणाम के और अंदर में अभिलाषा तो बनी हुई है। आई बात पकड़ में आई आपको क्या? है ना, देखो अभी आपने सिनेमा नहीं देखने के नियम ले लिए, ठीक है, तो आप बाहर से तो वहां से हट गए, लेकिन अब आप कौन सा सिनेमा लगा, किसने कितना बिजनेस किया, क्या है, और कोई नई फिल्म आई तो उसके अंदर क्या चर्चा हुई, क्या बात हुई, कैसी है, यदि आप जानकारी रखते हो और उसके प्रति का आपको राग है तो फिर क्या हुआ? बाहर से तो आप दूर हट गए, लेकिन अंदर में क्या है? राग और उसको जानने की अभिलाषा वो पड़ी हुई है। तो यहां टोटल मंजी साहब कह रहे हैं कि किसको कहना व्रत, व्रत किसको कहना? के अपने स्वभाव के भान पूर्वक
विशेष प्रकार की स्थिरता होना, उसका नाम है व्रत। ये तो अंतरंग, और जब इस प्रकार की स्थिरता होती है तो बाहर में नियम से क्या है, त्रस्त और स्थावर जीवों की रक्षा का भाव, और पांच इंद्री और मन के विषयों से नियम से इसकी दूरी होती है। तो उपचार से उसको भी धर्म कहा गया है, लेकिन ये दोनों मिला के धर्म है, एक का नाम धर्म नहीं है क्या? क्योंकि द्रविलिंगी जो मुनिराज हैं, उनके तो बाहर में कुछ भी नहीं दिखता है, ना तो क्रिया दिखेगी और नई इस जाति का परिणाम दिखेगा, लेकिन अंदर में स्वभाव का भान नहीं, उसकी स्थिरता नहीं, तो फिर तो मुझे बंद चालू है। हाँ बंद चालू है, आश्रय चालू है, ये कह रहे हैं। कितने लोगों को समझ में आ गई बात? आगे ना बात पकड़ में, ठीक है। ये है बात अविरत संध्या को, पढ़ते हैं अपन पेज नंबर 239। तथा बाह्य त्रस्त स्थावर की हिंसा, समझ में आ गया जितना पंक्ति मिल गई सबको? भैया मिल गई पंक्ति? बाह्य मतलब कहा, बाह्य मतलब क्या? क्रिया की तरफ से बाहर से त्रस्त और स्थावर जीव की है ना, छह गाय के जीवों की रक्षा का भाव भी चलता है, और जैसा उस प्रकार की उसकी क्रिया भी है। क्या? छह गाय के जीवों की रक्षा का भाव भी है, मर्यादा का भोजन ग्रहण करता है, यत्नाचार पूर्वक प्रवर्तन करता है, और अंतरंग में परिणाम भी उसको जीवों की रक्षा के चल रहे हैं। तो अब व्रत है कि नहीं ये बताओ? वो तब व्रत है कि नहीं? तो टोटल मिली साहब ने कहा एक पक्ष हुआ ये बाहर में, लेकिन ये समझना कि जिसके अंदर सही है उसका बाहर भी सही होगा। कोई ऐसा नहीं समझे कि बाहर गड़बड़ है और मेरा अंदर सही है, वो चक्कर में नहीं रहना। हाँ ऐसा नहीं होगा, नहीं तो बहुत ज्यादा स्वच्छंद हो जाते हैं, अरे इसमें तो कुछ नहीं है हमारा अंदर। अरे जिसका अंदर सही है उसका बाहर सही होगा। पांचवा गुणस्थान है ना, स्थिरता विशेष होगी तो बाहर में उस प्रकार के है ना, भूमिका अनुसार उस प्रकार की तैयारी और भाव भी आएंगे और उस प्रकार की क्रिया भी होगी। लेकिन जो जीव मात्र क्रिया करके ये माने कि मेरी आश्रम से निवृत्ति हो गई है, तो वह आश्रम तत्व संबंधी भूल है। बस इतनी सी बात है। क्या यहां उसका निषेध नहीं है? किसका निषेध नहीं है जैसा? हाँ, परिणाम और क्रिया का निषेध नहीं है। यहां अभिप्राय की भूल सुधारने के लिए टोडर मलि साहब ने आपका ध्यान विशेष रूप से उधर की तरफ केंद्रित किया है, ये बात यहां प्रस्तुत की है। कितने लोगों को समझ में आ गई आपको बात? है नहीं, बाहर से तो अब आप क्रिया ही देख पाओगे, अन्य जीव क्या दिखेगा? अन्य जीव की क्रिया ही दिखेगी है, और कभी कभी अंदर के परिणाम भी पकड़ में आ जाएंगे कि है ना वो भी क्या है, जब वो वाणी से या कोई बोले तो ऐसा लगता है उसके बाद, लेकिन अभिप्राय में क्या बसा हुआ है? हाँ, अब प्रमाद की परिभाषा भी क्या है जैसा? दो तरह से कहते हैं, बाहरी क्रिया रूप प्रमाद और अंदर में स्वभाव का भान और स्थिरता रूप प्रमाद। दो तरह से प्रमाद की व्याख्या की जाती है। एक तो प्रमाद जो होता है कि यत्नाचार पूर्वक क्रिया ही नहीं है उसकी, है अंजना जल ढोलना मतलब काम में ले रहा है, पानी दुनिया भर की विराजना कर रहा है, कोई भी चीज होती है तो उसको लिंगर ऑन करता है, जीव की रक्षा का भाव नहीं, वो तो सामने दिखता है कि उसकी परिणाम की क्या स्थिति है, है? वो तो सामने दिखती है, क्योंकि जब आपकी क्रिया विपरीत है तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपका अभिप्राय सही है। अब हाँ, जिनके बाहर का एक्यूरेट है लेकिन अंदर अभिप्राय सही होगा तो काम होगा, ये कहना है। आई बात समझ में? हाँ, दो तरह की बहुत गड़बड़ी हो जाती है जब इस तरह की चर्चा होती है, तो सामने वाला क्या करता है कि स्वच्छंदता पकड़कर, अरे इस क्रिया से कुछ नहीं होता, अरे क्या ये क्रिया तेरे परिणाम को बता रही है, और तेरा परिणाम विपरीत है तो अभिप्राय तो विपरीत ही है, उसमें क्या दम है? बात करने से क्या चलेगा? आई बात समझ? जिस जीव को आत्मा का भान है और उसकी विशेष प्रकार की स्थिरता है उसके बाह्य जीवन में और उसके परिणाम
उसके जो है ना अंदर में शुद्धि के साथ रहने वाले परिणाम किस प्रकार के होंगे, वो नियम से छह गाय के जीवों की रक्षा होगी और पांच इंद्रियों और मन से वो अपने को पांच इंद्रियों और मन के विषय से वो दूर हटेगा। हाँ, वो बिल्कुल बैलेंस है, साथ साथ चलने वाली बात। माया जाने के परिणाम से धर्म नहीं होता। हाँ, ये बिल्कुल चक्कर में नहीं रहना। आपको लगता है कि हमारे परिणाम किसी के पकड़ में नहीं आते, लेकिन माया जाने का फल तो है पक्का है। चित्त की सरलता नहीं, अंदर की रुझान किधर है वो ठिकाना नहीं, मात्र बाहर की क्रिया वो भी उल्टी सुल्टी, जगत अपने को बढ़िया के उससे कुछ नहीं चलने वाला। ये बात डॉक्टर मेरे साहब ने कही है यहाँ। चल जाए तो चल जाए, और किसी को नहीं चले तो भी पाप तो लग ही रहा है। हाँ, तो ये नहीं समझे कि मैंने बहुत सफाई से काम कर दिया है, किसी को पता नहीं चल रहा है, वो सफाई नहीं है भाई, ये समझ लेना अच्छे से। हाँ, बात पकड़ में आ गई आपको? हाँ, अभिप्राय में देखो व्रत किसको कहना है समझो आप। व्रत एक तो आप पांच इंद्री और मन उसके विषयों से दूरी बनाई और छह गाय के जीवों की रक्षा करी, ये बाहर की क्रिया है ना। जैसे कैसे हुआ, आपने दो जोड़ी कपड़े रखे हैं मात्र, ठीक है, नियम ले लिया मैं इस क्षेत्र से बाहर नहीं जाऊंगा, ठीक है, और बस ये चार तरह की सामग्री यही भोजन में, ये तो आपने बाहर से ले लिया, नियम ले लिया, यत्नाचार पूर्वक भोजन बना ले, ये तो हो गई आपकी क्रिया, और अंदर में उसी जाति के परिणाम है आपके, जीवों को बचाने के परिणाम है ना। और अभी आपको अंदर सामग्री को पांच इंद्रियों के विषयों से दूरी बनाने के परिणाम नियम ले लिए तो आप गए नहीं। अभी अंदर में अभिप्राय की बात करते हैं कि आपका अभिप्राय में अपने स्वभाव का भान है कि नहीं और उसकी स्थिरता है कि नहीं, मतलब बात पकड़ में आई, स्वभाव का भान और उसकी स्थिरता, उसका नाम असल व्रत है। व्रत किसको कहना है? व्रत, व्रत की परिभाषा आप अच्छे से याद रखो क्या है, स्वभाव के भान पूर्वक विशेष स्थिरता, उसका नाम है व्रत। किस है? और यदि अपने स्वभाव का ही भान नहीं है और उसमें स्थिरता नहीं है तो वो प्रमाद है। अब बाद में आप जीव की विराजना हुई ना हुई, वो तो बाही हो गया, अंदर हो गया प्रमाद। ठीक उसी प्रकार से पांच इंद्रिय के विषयों से आपने दूरी हटा ली, फिजिकली तो आप भी गए, लेकिन आपकी अभिलाषा क्या है, राग द्वेष छूटा कि नहीं छूटा? बोले क्या, बहुत मैंने कल आपको उदाहरण दिया था ना कि अभी 60 साल हो गए, 70 साल हो गए, संजय जी भाई साहब अब तो हम दुकान में नहीं जाते, ठीक है, जितने भी अधिकतर बुजुर्ग है ना सब डिंगे हाथ में, क्या क्या बाप हमने तो ये छोड़ दिया, ये उनको सुपुर्द कर दिया, ये कर दिया, अंदर में जाके देखो राग द्वेष छूटा कि नहीं छूटा, अभिलाषा छूटी कि नहीं छूटी, है क्या, बोलो संजय जी भाई साहब मुद्दा क्या है, आपका फिजिकली मां नहीं जाना उससे धर्म का कोई संबंध नहीं है। बहुत बार फिजिकली कसाई के बस भी नहीं जाता है, बहुत बार ये लोग की अपनी मां उपेक्षा हुई तो नहीं जाता है, उपेक्षा होगी तो नहीं जाएगा, कसाई के बस नहीं जाएगा, लेकिन असल में तेरी राग द्वेष वहां से छूटा के नहीं छूटी, अभिलाषा छूटी के नहीं छूटी, ये टोटल वजह से आप कह रहे हैं, क्योंकि अभिलाषा नहीं छूटी तो कोई मतलब नहीं। अभिलाषा मतलब समझे जैसा, उसके प्रति का जानने की विशेष इच्छा, उसके प्रति का आपको राग अंदर में है, धर्म तो वहां से प्रारंभ होगा। अभी आपको ऐसा क्या है, देखो अपने जैन धर्म में केंद्र बिंदु पूरा क्या है, उपयोग। भाई साहब बाहर की निवृत्ति भी क्यों ली जाती, ईमानदारी से बताना, ईमानदारी से बाहर से निवृत्ति क्यों ली जाती, क्यों ली जाती बाहर से निवृत्ति की, क्यों कहा जाता है कि भाई आप अपने को समेटो, अल्प व्यवहार अल्प सामग्री है ना, कहते हैं ना उदाहरण देते हैं कम सामान सफर आसान, तो कम सामान रखने से क्या फायदा, हमारे साथ पुण्य का उदय है, हाँ आपके नहीं है, आप रखो कम सामान, हमारे पास तो पुण्य का उदय है तो सामान रखें तो क्या दिक्कत है। और दूसरा एक जगह तो ये है, अधिक सामान रखकर उसको इतना अहंकार हो जाता है कि देखो मैं सामान व्यवस्थित रखता हूं,
भाई साहब सामान कम रखना, सामान व्यवस्थित रखना, मैं मैनेज करता हूं, है ना, ये वो चक्कर ही नहीं है। चक्कर ये है कि आपका उपयोग कितना वहां से आप हटा के फ्री करते हो, मुद्दा वो है जैन धर्म में है। मुद्दा कहां है, बात पकड़ में आई आपको? अब आप खुद करते हो, नौकर से कराते हो, लेकिन मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि आपका उपयोग वहां से कितना फ्री हुआ ये बताओ, और उपयोग वही का वही लगा हुआ है तो निवृत्ति क्या हुई? फिजिकल नहीं गए लेकिन लगे तो वही हो। टोटल पति साहब ने ये बात पकड़ी है, हाँ, बहुत बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है ये जो अपने को यहां विचार करने के लिए उन्होंने प्रस्तुत की है। क्या कहा है कि जनरली व्रत में क्या होता है, बाहर से ये दूरी हटा लेता है, कौन, जैन मिथ्या दृष्टि, और उसका केंद्र बिंदु भी बाहर ही है। आप ईमानदारी से पूछना, जो आप जिनको अभी लोकिंग में वृद्धि मानते हैं या जिनसे आपका परिचय है और जिनसे आपका मतलब वात्सल्य से बातचीत होती है, तो व्रत को क्या माना है उन्होंने ये बता। मैं 5 प्रतिमाधारी, मैं 7 प्रतिमाधारी, मैं 9 प्रतिमाधारी, अच्छी बात है व्रत को अंगीकार किया, लेकिन व्रत कहना किसको है? यहां उसकी अंतरंग परिभाषा बताई है टोडरमली साहब ने कि आत्मा के भान पूर्वक विशेष स्थिरता का नाम व्रत है। याद रहेगा आपको, क्यों नहीं होता भाई? गृहस्थ में ही तो रहता है, पंचम प्रतिमा वाला, चौथे प्रतिमा वाला कहां रहता है, घर में ही रहता है वो। हाँ, अब उसको आत्मा के भान पूर्वक स्थिरता है कि नहीं, तो वो है अंतरंग और बहिरंग दोनों में होगा। और अगर आत्मा का भान पूर्वक स्थिरता नहीं है और मात्र क्रिया और परिणाम में अटका हुआ है तो वो बाहर बाहर है, ये कहना चाह रहे हैं टोटल मिली साहब। तो उसके आश्रय चालू है कि नहीं ये बताओ भाई, जिसको आत्मा के भान पूर्वक स्थिरता नहीं है तो उसके कौन सा गुणस्थान है, कौन सा गुणस्थान है उसके, है अबे उसके गुणस्थान नहीं है पांचवा, और बाहर में भले क्रिया पाल है तो पालो, परिणाम में से हो तो हो, लेकिन आश्रय कब रुकेगा? पांचवे गुणस्थान में जो भी कर्म के बंध विच्छुक्ति होती है, कब, के जब स्वभाव की स्थिरता रहेगी। जैसा स्थिरता मतलब समझा कि 6 माह से लेकर 15 दिन के बीच उसको नियम से अनुभूति होती है पांचवे गुणस्थान वाले में। आई बात समझ में? क्या 6 माह अधिक से अधिक समय, और अंतर 15 दिवस है ना, वो इसके बीच में उसको नियम से अनुभूति होती है। अंतर पूरे थे 15 दिवस देख लेना आप, है ना, 15 है जो भी, इतना इतनी है उसकी, इतना उसको सचेत। अब आपको उसके संबंध में तो कुछ पता नहीं, और बाहर क्रिया पे केंद्रित हो गए, और आपने क्या माना कि मेरे आश्रम रुक गया है, तो टोडर मंजी साहब कह रहे हैं कि आश्रम तत्व संबंधी भूल। ये बात यहां कहना चाह रहे, किसी की यहां हंसी नहीं उड़ानी है, उसको एक असली विषय देना है कि भैया ये है, ये कह रहे। देखो पढ़ते हैं, तथा बाह्य त्रस स्थावर की हिंसा तथा इंद्री और मन के विषयों में प्रवृत्ति उसको अविरति जानता है, कौन, जैन मिथ्या दृष्टि, 6 काय के जीवों की हिंसा और इंद्री और मन की विषयों में प्रवृत्ति उसको अविरति जानता है। और व्रत लेगा तो क्या करेगा कि 6 काय के जीवों की रक्षा का भाव और 5 इंद्री और मन से अपने को दूर हटाएगा, उसको मानेगा व्रत। अपन भी यही करते हैं ना व्रत में, बोलो भाई आप करते हो ना अष्टमी, 14, 10 लक्षण, अष्टानिका, व्रत में क्या करते हैं जैसे अपन व्रत में क्या करते हैं अपन, बोलो है, 5 इंद्र के विषय, भोजन छोड़ दिया, एक जोड़ी वस्त्र, टीवी नहीं देखेंगे, ये नहीं करेंगे, यहां नहीं जाएंगे, तो व्रत हो गया ना अपना, तो जाए तो व्रत हो जाएगा, अरे जाएंगे तो पाप लग गया है। अब तो मुद्दा यह है, यहां कोई अभी दूसरी बात बता रहे, इतना ही व्रत मानता भाई भाई, ऐसा नहीं कि ये नहीं होते हैं, व्रतियों के जीवन में ये होते हैं, लेकिन ये बाह्य लक्षण है। अंतरंग बात क्या है व्रतियों की, ये भी कह रहे हैं, देखो क्या कह रहे हैं, हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है। क्या जैसा,
हिंसा में प्रमाद मूल है। यदि आपको अभी आत्मा का भान और उसकी विशेष स्थिरता नहीं है तो प्रमाद है, और प्रमाद है तो अभी आपके अपनी हिंसा चालू है, स्व की हिंसा चालू है। दूसरा, और विषय सेवन में अभिलाषा मूल है, राग द्वेष है ना, आसक्ति मूल है। आप गए नहीं जैसे आप पूछते हो, और कितने लोग आए थे वहां पर है, क्या कैसा लाया, कितना पैसे का इकट्ठा हुआ, अभी किसने नियम ले लिया कि हम ऐसे आयोजन में नहीं जाए, फिर कितना कितने लोग आए थे, अच्छा भोजन तो बढ़िया था कि नहीं था है, कितना पे? तो क्या है आसक्ति राग द्वेष वो तो चालू है ना, है तो फिर है। चालू है ना वो, हाँ लेकिन अभी वो जैसा आगे टोटोलॉजी साहब ने कहा है कि जहाँ मान लो पाप कम हो और जीवों के भाव पुण्य भाव ज्यादा हो तो अपनी गृहस्थ की भूमिका में वो ओके है, है ना, वो अभी उसकी अपन चर्चा नहीं करें। अभी मुद्दा तो यह है कि जिसने महा नहीं जाऊंगा ये नियम ले लिए हैं, भाई मैं शादी में नहीं जाऊंगा जैसा आपने कि भाई मैं ठीक है, अब जब शादी में नहीं जाना तो उसके संबंध में वहां कौन आया, क्या भोजन बना, किसने क्या खाया, क्या दिया, बढ़िया था कि नहीं बढ़िया था, ये जितनी भी अंदर में आपको इच्छा है ये अभिलाषा, तो आप नहीं गए लेकिन अभिलाषा है तो विषय सेवन से कहां दूर हट गया, ये कह रहे हैं आप, मुद्दा समझ में आ गया। नहीं नहीं वो नहीं, वो ऐसा नहीं है कि इससे तो अच्छा चला भाई, वहां तो भाई यहाँ ये कह रहे हैं कि आपने वो छोड़ा तो ये भी छोड़ो, हाँ मुद्दा ये है, हाँ वो चक्कर में नहीं है क्योंकि पाप में लगने का उद्देश्य वो नहीं है, मतलब कहने का मतलब है अभिलाषा ये अंतरंग बात है और वो बहिरंग बात है। अभी क्या है कि अंतरंग अगर रस टूट जाएगा ना तो बाहर में नहीं जाएगा, क्या टेक्चर जी बाबू जी ये नियम है, अंतरंग में यदि आपका रस टूट गया तो फिर बाहर में नहीं जाएगा, वो उदासीन जाएगा, और जबरदस्ती कहीं कोई खींचतान के लिए गया तो भी उसका रस उस वो है ज्ञानी। अभी देखो उसका अवलोकन नहीं करता, कौन अवलोकन नहीं करता, जैन मिथ्या दृष्टि, अपन तो करते हैं अवलोकन, अरे जैन मिथ्या दृष्टि नहीं करता, अपन तो करते हैं ना अवलोकन, हाँ जी है ना जी, नहीं करते अपन भी अवलोकन। आगे अब कसाई के संबंध में क्या बाह्य क्रोधाधिक करना उसको कसाई मानता, क्या जैसे यदि मैंने आपको गाली दी या आपको मैं कुछ बोलूंगा या तो ये तो कसाई हो गई, लेकिन आपके प्रति मेरे अंदर में द्वेष भाव चल रहे हैं उसको कसाई नहीं मानता है, क्या कसाई किसको मानता है, बोलो भाई कसाई किसको मानता है, गुस्सा नहीं करना, बोलना नहीं, मैंने चुप रह गया तो, अरे चुप रह गया तो कसाई समाप्त हो गई क्या, चुप रह गया तो कसाई समाप्त हो गई क्या, यहां कह रहे कि भाई तेरे को द्वेष अगर अंदर से नहीं गया तो कसाई चालू है, हाँ तो फिर आपको कसाई चालू है, तो यहां ये कह रहे हैं कि वो किसको कसाई मानता है कि बाहर से मैंने कुछ नहीं कहा, अपन बोलते ना मुनिराज के स्वरूप में असी प्रहारण अर्घ उतारण, यदि कोई आपको क्या है असी मतलब हथियार से प्रहार कर रहा है या कोई आपकी अष्ट द्रव्य से पूजा कर रहा है, दोनों परिस्थिति में उनके भाव सम है, न किसी के प्रति राग है और न किसी के प्रति द्वेष है, अंतरंग बाहर में तो क्रिया होगी नहीं, जैसा वैसा भी होता है, जैसे बहुत बड़ा पद वाला व्यक्ति होता है ना, समय हो गया बहुत बड़ा पद वाला व्यक्ति आया, अब आपने उसको गाली दे दी तो वो अब इतनी भीड़ में बोलेगा अगर मैं इसको कुछ कहूंगा तो मेरी इज्जत खराब होगी, तो वो चुप हो जाता है और बोले कोई बात नहीं हमने तो माफ किया, वो अंदर में देख लेंगे है अभी, तो बोलो उसके कसाई मिटी की नहीं मिटी,
बोला है कसाई मिट्टी के नहीं मिट्टी संजय जी वैसा ये जीवन में बहुत अपने को गहराई से भाई आपका मान लो भाई से विवाद है लेकिन अब अपने घर में फंक्शन है तो चलो अपन चले जाएं नहीं तो लोग क्या कहेंगे तो आप चले गए और लोग को दिखाने के लिए भाई से और अंदर में द्वेष तो छूटा नहीं भाई के घर में चले गए बुलाए मिलाए और अंदर में द्वेष भाव चल रहा है तो फिर बोलो कसाई मिट्टी के नहीं मिट्टी बोलो मुद्दा समझना है कसाई किसको कहना है ये कोई पोपा भाई कथा नहीं चल रही है ये अपने को जीवन में इंप्लीमेंट करना है वो खूब लोग उसमें महानता मानते हैं क्या हमको बुला रहा है और अंदर में देश धारा चल रही है भाई कसाई नहीं छूटी है कसाई तो अंदर में राग द्वेष छूटे और बाहर में उस प्रकार की आपकी प्रवृत्ति हो ये दोनों का मिलान होना चाहिए वो खूब लोग ऐसे भी होते हैं अपने को तो राग द्वेष नहीं है लेकिन हम नहीं जाएंगे अरे नहीं क्यों जाएगा तो? हम नहीं बोलेंगे अब मेरे को कोई उससे राग द्वेष नहीं लेकिन मैं नहीं बोलूंगा तो ये भाई साहब क्या बात है ये सब बातें बनाने की है ये अपने कमजोरी अपनी विपरीतता को लिपापोती करने का है समझकर बारंबार विचार करके अपने को गहराई से उन बीमारी को मिटाना है ये छोटी मोटी बीमारी नहीं है अपने को सुनने में तो हंसी लगती है लेकिन ये डे टू डे अपन इसी के गिरफ्त में है बात पकड़ में आ गई आपको क्या कहा टोटल मिले साहब ने कसाई किसको कहा क्रोध नहीं करना ये बाह्य रूप से कसाई नहीं हुई लेकिन अंतरंग में यदि राग द्वेष नहीं है तो वो अंतरंग से कसाई मिटी और जब तक अंतरंग से कसाई नहीं मिटेगी तब तक आश्रम चालू है ये कहना है बात पकड़ में आ गई आपको और आप क्या समझना आश्रम तक तो भूल आप अगर आप सिर्फ बाहर से क्रोध नहीं किया और आपने माना कि मेरा आश्रम नहीं हो रहा है तो इस धोखे में नहीं रहना ये आश्रम तत्व तो संबंधी भूल इसे चर्चा पर मनास वेकु ज्ञान के प्रकाश वेकु आपा पर भाषा वेकु भानु सिब खानी है छहु द्रव्य जान वेकु बंध विधि भान वेकु स्वपर पिछान वेकु परम प्रमाणी है अनुभव बताय वेकु जीव के जताय वेकु काहू न सताय वेकु भव्य उर आनी है जहां तहां तार वेकु पार के उतार वेकु सुख विस्तार वेकु यही जिन वाणी है जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख